आप अपने पिता को लेकर आए कि पिता आपको लेकर आए? तो जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं वो सब अपजेट है। जब अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कौन क्या लाएगा? राम हम सबको लाए हैं। जब पिता पिता होता है ना, तो रामचंद्र जी हम पूरे सनातन हिंदू परंपरा के लाने वाले वाहक हैं, आप समझो। तो हम राम को लाए हैं, बपजेट है वो सब जो कहते हैं राम को लाए हैं। राम हम सबको लाए हैं। हर बुद्धे को आप लोग हिंदू मुसलमान के एंगल से ना देखिए, समझिए। और 22 जनवरी को तो कोई मुहूर्त का दिन भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो आप बताइए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदा बेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो आप ऐसे आदमी की बातें को मान रहे हो जो आदमी अपने माता पिता की पूजा नहीं किया, जो अपने घर को मंदिर नहीं समझा, भरी जवानी माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगता रहा। मोदी सरकार ने डकैती की, पॉकेट मारा। अगर उनको डायरेक्ट आर्मी में बहाली की जाती तो सनातन मजबूत होता, चूँकि हिंदुओं की आबादी 80% है। अपने मंदिर और ट्रक ड्राइवर, मंदिर के नाम पर अगर ट्रक ड्राइवर के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। मंदिर अपनी जगह है और ट्रक ड्राइवरों के ऊपर जो काला कानून लाया गया है उसकी अपनी एक अलग बातें हैं। और रह गई बात जो प्रभु श्री राम मर्यादा के लिए जाने जाते हैं, उन प्रभु श्री राम को हर मुद्दों में घसीटना, उनका राजनीतिकरण करना, उनका व्यापार करना कहीं से न्याय संगत नहीं है। अरे सनातन हिंदू धर्म कल भी था, आज भी है और आने वाला कल में भी रहेगा। मजबूत तो तब ना होगा कि जब 2019 में, 20 में, 21 में सेना की भर्ती निकली थी और देश के युवाओं से, छात्रों से करीब 100 करोड़ से ज़्यादा मोदी सरकार ने डकैती की, पॉकेट मारा। अगर उनको डायरेक्ट आर्मी में बहाली की जाती तो सनातन मजबूत होता, चूँकि हिंदुओं की आबादी 80% है। आप बताइए कि रेल टिकट के नाम पर आधा घंटा पहले अगर नहीं पहुंचते हैं तो कैंसलेशन नहीं होगा टिकट का। 80% आबादी हिंदुओं की है। तो सनातन तब ना मजबूत होता कि जब पुरानी व्यवस्था रेल में होती, रेलवे में वैकेंसियां हैं, अगर उन वैकेंसियों को फुलफिल किया जाता तब ना सनातन धर्म मजबूत तो होता। अरे यार सुन ही नहीं रहा, यार सुन ही नहीं रहा, अरे सुन ही नहीं रहा, सुनो। मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है, मंदिर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना था बन गया, बात खत्म। न उसका राजनीति होना चाहिए और न उसके नाम पर व्यापार होना चाहिए। मुद्दा अभी देश में फिलहाल, मैंने पहले भी आपको कहा कि अभी आप हलवा मत बनाइए, खिचड़ी मत बनाइए। यह देश के 140 करोड़ आवाम का बेइज्जती है। अभी आप एक बात बताओ कि पिंक क्रांति कितने हिंदुओं को 10 साल में रोजगार मिला, कितने हिंदुओं को स्वास्थ्य सेवा मिली, कितने हिंदुओं को घर और मकान मिला, कितनों हिंदुओं किसानों को उनकी आय दोगुनी हो गई, कितने हिंदुओं को महंगाई की मार नहीं झेलनी पड़ रही है, कितने हिंदू युवाओं को रोजगार की मार नहीं झेलनी पड़ रही है। तो आप ये बात नहीं करेंगे। देखिए आप एक बात बताओ, 400 का सिलेंडर अगर आज 1200, 1100, 900 में मिल रहा है तो 80% आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं को मिल रहा है कि पाकिस्तान को मिल रहा है, आप बताओ? गजब सी बात है। आज ड्राइवरों पर सारे हिंदू जग गए हैं पंकज जी। अरे फिर यार राम नाम जप रहे। देखो आप अयोध्या ही नहीं, सारा हिंदू देखो, गणेश पूजा क्यों होती है? प्रथम आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का दिन है। माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं है और घर से बड़ा कोई मंदिर नहीं है। तो आप ऐसे आदमी की बातें को मान रहे हो जो आदमी अपने माता पिता की पूजा नहीं किया, जो अपने घर को मंदिर नहीं समझा, भरी जवानी माँ बाप को छोड़कर 40 साल भीख मांगता रहा, जो आदमी हिंदू धर्म में, अरे सुनो ना, अरे सुनना, देश के लिए आपके पापा ने आपकी मम्मी को छोड़ दिया होता, आप पत्रकार होते हैं? होते क्या देश के लिए? अरे देश के लिए शादी करना, गृहस्थ जीवन जीना, संतानोत्पत्ति करना। अगर सबकी माँ, सबका बाप अगर सबकी माँ को छोड़ दे तो कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई कलेक्टर होगा, कोई SP होगा? कैसी बातें करते हो? देश तभी होगा जब आप गृहस्थ जीवन जिएंगे। गृहस्थ जीवन से बड़ा, समझिए, गृहस्थ जीवन से बड़ा देशभक्ति कुछ भी नहीं है। आपको न्योता आया कि नहीं जाने के लिए? यार फिर यार
तुमको नेता आया है? हाँ आया है, जा रहे हैं दिवाली मनाने। माने बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाने नाचने गाने सब मीडिया वाले पहुंच जाते हो, तुम लोगों तो इतनी बेइज्जती है कि खुद भी मार खाते हो, कहते हो हमारे दूसरे को मार के बताओ ना तो बताता हूँ, कौन सा मीडिया का सम्मान है? तथैया नाच नाचते हो भाजपा कार्यालय के सामने। एक ही बात है, देश में तमाम समस्याएं हैं और प्रभु श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, जो सनातन परंपरा में जो अधिकार और कर्तव्य हैं, उसके बारे में एक भी भाजपा नेताओं से सवाल करोगे तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा। दिवाली मनाया जाएगा 22 को, आप मनाइएगा? दिवाली पहली बार मनाया जा रहा? अरे जब रामचंद्र जी लंका विजय करके आए अयोध्या, तब से दिवाली मनाई जा रही है, अभी तो कई सौ सालों से पुरानी परंपरा है। आप इसको देखिए, आप लोग इस पर व्यापार भाजपा का भले ही लिफाफा लिए होंगे, लेकिन इतना भी प्रमोट मत करो, शर्म करो थोड़ी सी। लोग बाग अब क्या पता कि श्रीलंका, अरे अरे यार तुम भी चाहते हो, सुनो तुम जैसे पत्रकारों की तीन दवाई। राम आने वाले हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगा 22 को। अच्छा आप अपने पिताजी को लाए थे कि पिताजी आपको लाए थे, सही सही बताइए। आप नहीं बने वो पुल पर भगवान, आप अपने पिता को लेकर आए कि पिता आपको लेकर आए? तो जो लोग कहते हैं कि राम को लाए हैं वो सब बपजेट है, जब अपने बाप को नहीं ला सकते तो राम को कौन क्या लाएगा? राम हम सबको लाए हैं, जबरदस्ती कुछ भी कहते रहते हो यार। आप अपने बाप को लाए हो? नहीं लाए हो, बाप आपको लाया है। तो जो पिता पिता होता है ना, तो रामचंद्र जी हम पूरे सनातन हिंदू परंपरा के लाने वाले वाहक हैं, आप समझो। तो हम राम को लाए हैं, बपजेट है वो साहब जो कहते हैं राम को लाए हैं, राम हम सबको लाए हैं। अरे करे कुछ भी टेंट से निकाल कर भव्य मंदिर तक पहुंचा दिए। अरे भैया बगैर उनकी इजाजत के पत्ता नहीं खरकता है, हैं तब वो कौन ला देगा? आज मोदी जी भीख मांगे थे 40 साल, तो राम जी की कृपा नहीं थी तब ने भीख मांगे थे। आपने फोटो, अरे भाई अरे यार फोटो में उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं मंदिर की तरफ। अब देखो एक बात बताओ, मैं क्या बोला आपको? आप पिताजी की उंगली पकड़ के ले जाओगे कि पिताजी आपको लेके आए हैं? अरे भाई बनाने वाला वो सब बपजेट है भाई, तो बपजेटों की बात नहीं किया करो, तरीके के लॉजिक की बात करो। जब आप अपने पिताजी को नहीं ला सकते तो कई पीढ़ियां ऊपर की बात है उस रामचंद्र जी को ले आएंगे, गलत बात है। अरे मुख्तार अब्बास नकवी कर रहे हैं आप लोगों का पाप धुल जाएगा, जाइए राम जन्मभूमि 22 तारीख को, पाप धुल जाएगा आपका। बात सही बोले हाँ। मुख्तार अब्बास नकवी भाजपाइयों का पाप धो दिया, काहे कि उसका जीजा है वही उसका दामाद है, तब बदल ना लीजिए, हिंदू दामाद कर लीजिए। आप बोलिए उनको जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज किए ऐसे ही कोई हिंदू दामाद कर लीजिए, क्या पाप धुल जाएगा? पाप उनका धुल गया कि चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, बात खत्म है। आप देखिए हर मुद्दे को आप लोग हिंदू मुसलमान के एंगल से ना देखिए, समझिए पहले बात। देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, कोई भी अगर काला कानून आएगा, कोई भी आफत विपता आएगी, महंगाई होगा, बेरोजगारी होगा, तो 80% हिंदू परिवारों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन क्या है, आप पत्रकार लोग एक मामूली सा, पहले बच्चे में थे ना तो लोग कहता था चांदी के चंद सिक्कों के लिए लोग ठुमका लगाते, तो आप लोग ठुमका लगा रहे हैं हर बात में हिंदू मुसलमान, राम मंदिर। अरे राम मंदिर सुप्रीम एक प्रक्रिया था, कई सौ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, राम मंदिर का निर्माण हुआ, और 22 जनवरी को तो कोई मुहूर्त का दिन भी नहीं है लेकिन फिर भी हो रहा है, तो आप बताइए कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, सनातन हिंदू धर्म में बगैर पत्नी के किसी भी शुभ कार्य में नहीं बैठा जाता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जसोदा बेन जी को लेके बैठेंगे प्रधानमंत्री जी, अब तो कम से कम प्रभु श्री राम की कृपा हो।